ये लो चलो अब आ रही क्या आवाज अब आ रही आवाज हम्म अब नहीं आ अब आ रही है आ रही है आ रही है ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सुबह वाले बच्चे जितने भी भाग गए हैं वो सब चुपचाप आ जाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो जरूरी है परमिट जी भी आज तो आ चुके हैं भाई जब जब इसरो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हो टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट हो और हमारे परमित जी नहीं आए ऐसा आ नहीं सकता पहले तो सुबह मुझे ये बताओ कि सुबह वाली क्लास में कितने लोग थे

मैसेज करो बजे वाली क्लास में अगर आप थे तो मैं सुबह वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रही हूँ ओके ताकि आप लोगों का क्या हो जाएगा ताकि रिविजन हो जाएगा और फिर नए क्वेश्चन उसी के आगे से स्टार्ट हो जाएंगे क्लियर है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह वाली क्लास के क्वेश्चन से ओके तो आपका रिवीजन होता रहेगा ठीक है और जल्दी जल्दी करेंगे आंसर बताने बस आप लोगों पर फटाफट फटाफट से बताना है आंसर है और क्वेश्चन फटाक से चलेंगे और आंसर देने हैं देखते हैं कि सुबह और अभी में कितने लोग भूले हैं और कितने लोगों को याद रहा है पर क्वेश्चन फटाफट से होना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना फटाफट से होना चाहिए ठीक है समझ में आंसर करने में टाइम नहीं दूंगी और जिसको ऐसा लगे कि मैडम बहुत फास्ट करवा रही है सुबह वाली क्लास जाके देख लेना मैंने आराम आराम से क्वेश्चन भी करवाया है ठीक है चंद्रयान के बता दो पहले जी चंद्रयान का बता दो पहले जी चंद्रयान भाई लाइव हो जाएगा यहीं पे चैनल से ही लाइव है तो वो भी आप देख सकते हो पर इस क्लास के बाद में देख लेना ठीक अभी देखो क्या कहा जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन जो है सुप्तावस्था प्रस्तावित स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो एप्सिस एसिड होता है जो कि बेसिकली जो है वो डॉर्मेंसी जो सीड की होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है देख लेते हैं रिविजन कर रहे हैं फटाफट से देखिए सुबह वाले में किसे याद देते हैं रुकसाना तुम्हें तो रट गए अब मुझे पता है पर बाकी बच्चों को भी रटाना जरूरी है ठीक है अगली बात करें कि प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो पानी के अंदर प्लाज्मा के अंदर उसको जो है वो क्या करता है कंट्रोल करता है ठीक है चलो रिपीट क्यों करवा रही हो रिपीट नहीं करवा रही हूँ रिवीजन करवा रही हूँ है ना और इसी के आगे फिर क्वेश्चन अगले भी हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मूल रूप से जो है वो कैसा होता है वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है आंसर सभी को करने हैं समझ में आया मैं रिपीट नहीं करवा रही हूँ मैं रिवीजन करवा रही हूँ ठीक है देखिए सुबह और अब में कितने लोगों को क्वेश्चन याद रहे हैं अगला प्रश्न है और आंसर सभी को करना है फटाफट से अगला प्रश्न है कि मैनेजाइटिस तो मैनंजाइटिस बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है मैनजाइस जो होता है वो ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो लेयर होती है ना उसको कहते हैं ठीक है थीके? अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भाई मिट्टी को वापस से मिट्टी बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है द फ्रेंड ऑफ किस किसकी बात करें फार्मर और कौन है वो अर्थवर्म है है ना तो वो यहां पर हो जाएगा तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आराम आराम से करवाए सुबह वाली क्लास में किसी को देखना है देख सकते हैं स्वशन रूट यानी कि रेस्पायरेटरी रूट जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं तो वो होती है मैग्रोव प्लांट्स के अंदर है ना अगला प्रश्न देखते हैं देखिए क्या यहाँ पर हो जाएगा कि भाई अगर आपसे पूछा जाए ई के बारे में सॉरी एम के बारे में यानी कि आप बात करें यहाँ पर मैम जी बस ग्रुप में शेयर करने के लिए आई हूँ ओके 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 तो देखो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एम के अंदर हाइड्रोजन बेस बनाता है अगली बात करते हैं सबसे बड़ा अगर बात करें तो वो फाइलम होता है एज अ कंपेयर टू फैमिली जीनस क्लास ऑर्डर इन सबसे बड़ा है ना तो वो क्या होता है फाइलम होता है सुबह वाले बच्चे हो तो फिर वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगली बात करते हैं डी जो कि क्या करता है चीज़ों को वापस से जो है रीजनरेट कर रहा है जैसे कि बैक्टीरिया या फंजाए ने ब्रेकडाउन किया चीजों का सड़ी गली चीजों का उससे सी टू बनाया उससे बाकी सारी चीजें बनाई तो वो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और वैसे फंजाए होता है वो आपका हो जाएगा डीपी हुडा जी सारे क्वेश्चन सुबह करवाएं मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ उन बच्चों को जिनको पता है कि भाई हाँ हमें रिविजन करना है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई बोला जा रहा है कि जब आप ब्रेक डाउन करते हो किसी भी चीज का तो फैट होती है जिसमें सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है नाइन पॉइंट वन कैलरी जो है वो एनर्जी आपको फैट से मिलती है आपका न्यूक्लिक एसिड जो है वो खराब हो जाए आपके जीन में दिक्कत आ जाए आपके प्रोटीन खराब हो जाए लेकिन वायरस को ना ही तो जो है वो फर्क पड़ता है विक्रीकरण से ना ही एंजाइम थेरेपी से उसे फर्क पड़ता है और ना ही प्रेशर से आपके वायरस को फर्क पड़ता है तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज के अंदर आ जाएगा डी विल बी द राइट आंसर ठीक है तो भैया ये क्वेश्चन सुबह करवाए थे मैं रिवाइज करवा रही हूँ देखिए कि कितने लोगों को ये चीजें याद रहती हैं जिनको लग रहा है कि नए प्रश्न है हमारे लिए वो एक बार सुबह 11 बजे वाली क्लास जाकर जरूर से देख लें क्या बोलती है पब्लिक बताओ देखें एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन तो अगर एनिमिलिया के अंदर बात करते तो ह्यूमन सबसे डेवलप्ड एनिमल है वैसे प्लांट के प्रोस्पेक्टिव में जो है एजस्पम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा ये हर जगह पर मिल जाएंगे जस्ट बिकॉज इनकी सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है इनको फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना छोटे जीवों को पड़ेगा तो दैट्स अ थिंग ठीक है क्लास रिकॉर्डेड नहीं है मैं रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए मेरा फोकस है कि मैं सिर्फ अभी रिवीजन करवाऊँ जब जब आ... फोटो uh, सिंथे होता है ना तो होता है पुतीनों का मतलब सातों रंग होते हैं सनलाइट में तो अब उनमें से कौन कौन से कलर ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं तो वो तो रेड और ब्लू हो जाएगा ग्रीन जो है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है पर येलो सबसे कम एब्जॉर्ब होता है इसलिए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा येलो कलर यहाँ पर जो है वो सबसे कम एब्जॉर्ब जो है वो होता है प्रवीण जी बहुत बढ़िया देख लिया था मैंने आपका नमस्कार अब बोला जा रहा है कि मैडम एनरॉबिक राम राम सभी को अभी मैं रिवीजन करवा रही हूँ तो पहले मुझे रिवीजन करवा लेने दो फिर मैं सबसे बातें कर लूंगी है ना तो पहले रिवीजन का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फिर बोला जा रहा है जब एनरॉबिक रेस्पाइरेशन करवाते हैं तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है तो ऐसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं किणवन कहते हैं सड़ा देना शराब जो है वो किससे बनती है फर्मेंटेशन से बेकरी प्रोडक्ट किससे बनते हैं फर्मेंटेशन से ठीक है बोलो देखें रॉयल जाट जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मटर के दानों के आसपास में जो मटर होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं मैंने देख लिया था मैं अभी पढ़ाने पे फोकस कर लू तो मुझे पढ़ा लेने दो मटर जो 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 है जिस हेल्प से आगे बढ़ता है ना वो बेसिकली क्या होता है होती है जिससे वो जो गोले 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 से जैसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से आगे बढ़ रहा है उनको क्या कहते हैं थिगमोट्रोफिज्म के नाम से जानते हैं अगली बात कर रहे हैं कि आपके भ्रूण जो है एम्ब्रियो जो है बीज के चारों तरफ जो न्यूट्रिश के लिए जो टिश्यू होते हैं उनको हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं बेटा पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं, हैं। ठीक है तो अब जो सुबह मुझे बच्चे कह रहे थे ना मैडम नए प्रश्न है हम तो कतई कंफ्यूज हो गए तो मुझे लगता है कि अब आप लोग थोड़े से आ, ये लो आ गया नया प्रश्न अब मैं शांति से बैठी हूं आंसर दो आंसर दो साइंस की क्लास रोहित जी सुबह भी स्टार्ट होती है है ना Uh, सुबह स्टार्ट होती है ग्यारह बजे और शाम को भी होती है क्लास जो कि होती है पाँच बजे इसके अलावा अगर आप लोगों को एप्लीकेशन की बात करें तो आज से जो है वो डेली पुलिस का सिंगम बैच साइंस के लिए स्टार्ट होना था अभी शाम को छः से सात सिंगम बैच में क्लासेस शाम को uh, क्या बोलते हैं इस बैच में है ना तो एप्लीकेशन पे क्लासेस वो मिल जाएंगी गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रीति जी गुड इवनिंग मैं बहुत अच्छी हूँ ठीक है अरे वाह परमित अब तो तुम अच्छे से पढ़ लो है ना अगर री इंटरव्यू हो रहा है तो मजा ही आ गया ठीक है परमित ये तो बहुत अच्छी बात है पर ज्यादा खुश नहीं होना है इस बार हमें पिछली बार की तरह अगर री इंटरव्यू के लिए अगर ईमेल आई है तो इससे तो बड़ी चीज नहीं हो सकती पर इस बार बहुत अच्छे से इंटरव्यू देखो लोगों के कैसे बात कर रहे हैं मैंने बार पहले भी समझाया था नहीं आता तो अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ एग्जामिनर ने जितना पूछा है सिर्फ उतना आंसर दो अपना ज्यादा ज्ञान मत लगाओ है ना तो वो वो चीजें हैं जो कि आपको थोड़ी समझनी है अभी देखो क्या कहा जा रहा है ना नमस्कार बहुत बढ़िया चलिए तो जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं क्या गैमिट गैमिट से बन गया गैमिट और जनन हो रहा है तो जेनेसिस तो नाम हो गया गैमिटो जेनेसिस बन रहे हैं वो भी गैमिटो वैसे तो उसे स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं पर आप गैमिटो याद कर सकते हो है ना एग बन रहा है तो एग इज आल्सो नॉन एज फीमेल गैमिट ना तो वी कैन से गैमिटो लड़की जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसके शरीर में अंडे साथ में ही होते हैं है ना? लेकिन क्या होता है कि जब कोई मेल पैदा यानी बेबी बॉय जब पैदा होता है तो स्पम्प साथ लेके नहीं पैदा होते हैं जब लड़का मेच्योर हो जाएगा ना तब उसकी बॉडी से फिर स्पम्प का फॉर्मेशन होने लगता है तो लड़की की बॉडी में एग थे बच्ची में एग थे पर वो डेवलप्ड मेच्योरिटी मतलब मेच्योर होने के बाद हुए प्यूबर्टी की एज के बाद में हुए लड़के के अंदर तो स्पम बनते ही मेच्योर होने के बाद में प्यूबर्टी की एज में बनते हैं तो शायद सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो लड़की में गैमेटोजेनेसिस तो साथ में ही हो गया था बस डेवलपमेंट बाद में हो रहा है है ना तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ डाउनी फफून डिजीज होता है डाउनी मिडव्यू डिजीज यह बेसिकली ना नाम से ही पता लग रहा है जब भी माइल्ड व्यू आ जाता है ना है ना तो इसको हम लोग बैक फंगल डिजीजेज़ होती हैं ये कैसी डिजीजेज़ होती है फंगल डिजीज़ होती, होती है सेशन शेयर नहीं हो रहा है मैं करवाऊंगी क्लास के लास्ट में थियोरी भी करवाऊंगी जैसे मैंने कल करवाया था और यह जो आपका होता है ना माइल्ड जो है माइल्ड यू जो डिजीज़ होता है ये बेसिकली किसके कारण होता है ये होता है आपके स्यूडो स्पोरिया क्यूबैसिस के कारण ठीक है ना इसको हम स्यूडो स्पोरा के नाम से भी जान सकते हैं तो क्यूबैसिस नाम का जो होता है उसके कारण होता है fumigate, याद करो के कारण होता है। capitis, patina padis, आ, आपके गंजापन और एथोलिट फूड डिजीज है जो कि फंगल डिजीज है रिंग वर्म हो गया है ना स्क्यूबा हो गया तो दे ऑल आर दिन एग्जाम्पल ऑफ फंगल इंफेक्शन है ना चलो आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स की पत्तियों के नीचे ना ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है अब हमको लग रहा होता है भाई साहब ये तो मकड़ी आके बनाई है है ना तो ऐसी जो जाले जाते जैसी संरचना दिखाई देती है वो किसके कारण होती है उसे हम क्या कहते हैं ये आपसे पूछा है क्या बोला वट इज द नेम ऑफ अ प्लांट डिजीज इन विच अंडर साइड ऑफ लीव्स तो उसको राइनोक्टोरिया के नाम से जानते हैं हम लोग माइलबक्स के नाम से जानते हैं एंथ्रिकोस के नाम से जानते हैं या फिर स्पाइडर माइट्स के नाम से जानते हैं है ना तो देखो नए प्रश्न हैं और नए प्रश्न तो पढ़ने में ही मजा आता है, है ना डिजेंट मैटर गाइस कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मैटर ये करता है कि मैडम अच्छी बात है आज नए प्रश्न पढ़ रहे हैं और याद तो मैडम करवा ही देंगी जैसे सुबह वाले प्रश्न रट गए रटने में आ गए कि नहीं आ गए ऐसे अच्छे से याद हो गए होंगे पंचायती करनी नहीं है, में सेशन को शेयर करना है ना दैट इज स्पाइडर माइट्स है ना इन्हें हम ए के नाम से जानते हैं और भाई क्लास के पढ़ते पढ़ते अगर चंद्रयान लॉन्च हो जाए तो प्लीज मुझे भी बता देना क्योंकि मैं तो क्लास में हूँ तुम लोग तो थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हो ना फाइव के आसपास फिफ्टी से लेकर छह चार तक लैंडिंग हो जाएगी भाई वो सुनहरा पल देखना है क्या कह रही हूँ मैं देखो सुनो हम बोलते हैं भारतीय है ना हम हम चंदा मामा बोलते हैं राखी का त्योहार आ रहा है हमारी भारत माता ने अपने बेटे विक्रम को भेजा है मामा के पास में राखी लेके अब बस ये मान लो कि मामा जी एक्सेप्ट कर ले राखी तो हमारा चंद्रयान थ्री भैया सफल हो जाएगा है कि नहीं है अपने छोटे भाई के साथ और गया है प्रज्ञान के साथ तो विक्रम क्या है लेडर है प्रज्ञान क्या है रोवर है है हाँ ना ऑर्बिटर ने तो ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि आ जाओ भैया हम हम तो हम तो तो क्रैश लैंडिंग हो गई थी है हाँ ना ऑर्बिटर तो जो चंद्रयान में था चंद्रयान थ्री में ऑर्बिटर नहीं था आई अगेन रिपीट है ना याद है ना तुमको चंद्रयान टू में ऑर्बिटर गया था बस तो ऑर्बिटर ने तो वेलकम मुस्कुरा लिया कि तुम ही हो ना बहुत सालों इंतजार करवाया है अब लैंडिंग का टाइम है 556 से 64 तक में लैंड हो जाएगा तो भाई सारा देश एक साथ एक ही विश कर रहेगा आज कोई हिंदू नहीं यहाँ कोई सिख नहीं कोई मुसलमान नहीं सब भारतीय हैं और अगर सब भारतीय हैं तो फिर तो तुम्हें पता ही है कि भाई सब लोग प्रे करो कि आज तो और किसी की नहीं बस एक मेहनत है उन वैज्ञानिकों की 650 करोड़ रुपए कोई दिक्कत नहीं है बहुत अमीर है हम है ना लेकिन यार इसरो के जो साइंटिस्ट ने मेहनत की तुम्हें तो पता है कल एक स्टेटमेंट आया था कह रहे थे कि अगर विक्रम की क्रैश लैंडिंग हो जाए जो तो हो नहीं सकती पर अगर हो भी गई तब भी रोवर के पास सेंसर है हमारा रोवर लैंडिंग कर लेगा बड़ा भाई अगर फिसल गया तो छोटा भाई संभाल लेगा तो ये भी चीज है भाई है ना तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ चलो तो मकड़ी के यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी कण की चलो अगली बात देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तंत्रिका तंत्र कार्य का उदाहरण है ऑफ ऑफ द द इज अ बेसिस नर्वस नर्वस सिस्टम सिस्टम फंक्शन तो किसकी तरह काम करता है हाँ अड्डा पर लाइव ही तो चल रहा होगा अभी चल भी गया होगा है ना पर भागना मत मेरी क्लास के बाद में अपन साथ बैठ के देखेंगे ठीक है मैं चला के यहीं पे दिखाऊंगी चलो साथ ही देखेंगे आज है ना टेंशन मत लो ठीक है तुम्हारे लिए अभी चला भी देते हैं ठीक है बीच में ही तो साथ में देखेंगे आज मैडम और बच्चे दोनों ही साथ में देख लेंगे तो दो मिनट दो मैं चला ही देती हूँ उसको कि चल क्या रहे है ना दो मिनट दे दो बस अभी चला के ही देख लेते हैं कि भैया चल क्या रहे तुम भी एक्साइटेड हो कि नहीं हो मैडम की तरह कि यार वैसे चल तो रहा था अपने उसपे पर ठीक है एक बार देख लेते हैं कतई रुक जाओ दो मिनट तो साथ ही देख लेंगे बीच बीच में कि चल क्या रहा है तुम भी देख लेना मैं भी देख लूंगी है ना दो मिनट दो मुझे चलो भाई तो अपनों को यहां पर ध्यान रखना है देख लेते हैं देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा मे भी कुछ तो होना चाहिए था ऐसा अरे भाई साहब होने वाला है तो जैसे ही स्टार्ट होगा हम इसको चला लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो दैट्स अ थिंग जो हमें देखनी थी भाई चलो तो अभी तो नहीं तो पांच बीस पे स्टार्ट है तो अपन तब से देख लेंगे ये देखो ये रहा है ना ये लो ठीक है तो ये अपन साथ ही देख लेंगे फिर चलो अब तुम भी देख लीजिएगा और हम भी देख लेंगे अभी पढ़ लेते हैं ओके चलिए तो ये रहा आंसर बताओ फटाफट से तब तक पढ़ लेते हैं अच्छे से चलो देखो तो भाई आप साथ ही देखेंगे ओके अब हम चलेंगे इसरो के से डायरेक्ट लाइव आ जाएंगे तुम भी देख लेना मैं भी देख लूंगी अभी देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल है बेसिस नर्वस सिस्टम फंक्शन ठीक है तो बताओ भाई फटाफट से हां जी आंसर करो फटाफट से कि क्या हो गया इमाजी नमस्कार नहीं स्टार्ट हुआ है अभी तो देख लेंगे चलो अभी देखो फटाफट से क्या कहा जा रहा है तो मैडम जब जब पसीना आता है तो पसीना ऑफ़ नर्वस सिस्टम ना तो से बी, वी आंसर। क्या रहेगा शाहरुख भैया बी इरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं याद करो इरिथ्रोसाइट्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट मोनोसाइट बेसोफिल कैन से प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट तो भाई आपको तो पता ही कि इरिथ्रोसाइट कहते हैं मैडम आरबीसी को डब्ल्यू को क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट है ना और ल्यूकोसाइट के एग्जाम्पल मोनोसाइट बेसोफिल इसीनोफिल लिम्फोसाइट क्या बच गया एक क्या बच गया बेसोफिल हो ही गया न्यूट्रोफिल है ना और इसका थ्रोम्बोसाइट्स होता है तो ये सारा हमने पढ़ा ही है है ना तो ये भाई इमाजी आ रहे हैं नए प्रश्न भाई कैसी बातें करती हो यार लसिका में होने रक्त में क्या भिन्नता होती है तो भाई व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम द ब्लड बीइंग लिम्फ तो भाई लिम्फ के अंदर क्या होता है व्हाइट कलर है यानी डब्ल्यू ज्यादा है यानी कि क्या है डब्ल्यू ज्यादा है और डब्ल्यू ज्यादा है और आर बिल्कुल भी नहीं है जिसमें डब्ल्यू ज्यादा आर बिल्कुल भी नहीं उसी को ही तो हम कह रहे हैं रहे हैं लिम्फोसाइट समझ में आ रहा है जिसमें डब्ल्यू ज्यादा आर बिल्कुल कम उसी को ही तो कह रहे हैं हम लोग क्या लिम्फोसाइट लसीका तो यही बोला है कि रक्त और लसीका के बीच में अंतर यह है कि रक्त के विपरीत लसीका रंगहीन होती है और उत्तकों के अंदर जो है केंद्रीय परिसंचरण में वापस तरल होती है अगली बात कर लीजिए भाई यदि किसी व्यक्ति को डायलिसिस में रखा जाता है अब अगर डायलिसिस है बस तो बस बस चौबीस लाख वॉचिंग है तो भाई अपन तो यहां पर ही देख लेंगे इफ अ पर्सन इज पुट ऑन अ डायलिसिस डस ही सफर तो भाई व्यक्ति को अगर क्या हुआ है व्यक्ति को अगर डायलिसिस करवाया है तो मैडम गुर्दे की बीमारी है यानी किडनी में दिक्कत है किडनी एब्जॉर्बन कर ही नहीं पा रही है तभी तो हमने एक ऐसा लिक्विड बनाया जो कि डायलिसिस कर देगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती तो कार्डिक बोल देते अगर किडनी की प्रॉब्लम होती रीनल से रिलेटेड कर देते और तो ये वाली बात है ठीक है कोई बात नहीं अगली बात करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को अलग करके किसी भी व्यक्ति के रक्त को साफ करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं अगली बात है यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस क्या कार्य करता है तो भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द है ना लीवर तो बताओ भाई शर्मा जी एंड दे आर ओनली फोर थर्टी सेवन पीपल्स आर प्रेजेंट सेशन को लाइक कौन करेगा है तुम लोग सब मेरे बिना चांद देखने जाओगे ऐसे थोड़े ना होता है भाई दिस इज नॉट फेयर अभी माहौल क्या है अभी पचास कर देंगे तो फिर सात बैठ के देखेंगे चलो 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 जल्दी से करो तो क्या कहा जा रहा है यकृत द्वारा स्त्रावित का क्या गा तो जूस जो होता है देखो देव की मैया बन गई लीवर यशोदा मैया बन गया ब्लैडर और जो है काम किसके आ गया तो फिर द्वारिका बना दी है ना तो भैया बात ऐसी है की पहुंच कहाँ पर गया था ड्यूडेनम के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक इन नेचर होता है शार्य प्रकृति का होता है तो यह भोजन को कैसा बना रहा है शार्य बना रहा है इसपे दो पिगमेंट होते हैं इसके पास में पिगमेंट मतलब रंज इसका इसका कलर जो होता है ना आपने अः गन्ने का जूस पिया होगा कुछ वैसा सा होता है ग्रीनिश येलो तो ग्रीनिश येलो के लिए बिलू और बिलुवर्डिन होते हैं दे आर पिगमेंट्स और आपका जो बिलुवर्डिन अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना इसी को ही तो हम जॉन्डिस कहते हैं अभी जो राजू पंजाबी जी जो सिंगर थे उनकी डेथ हुई कहते हैं जॉन्डिस के कारण हुई जॉन्डिस के कारण हुई वहां पर लिखता है काला काला पीलिया अब काला पीलिया जैसा कुछ नहीं होता अगर एक्सट्रीम जॉन्डिस हो गया तो ही उसे हम लोग बोल रहे हैं कि जॉन्डिस क्योंकि सोचो कि एक्सिस में बिलू का जो है वो एक्सक्ट इंक्रीज uh, हो गया तो उसको हम लोगों ने क्या कह दिया ब्लैक जॉन्डिस कह दिया तो दैट्स ऑल थिंग्स ऐसे कोई स्पेसिफिक हम साधारण भाषा में टर्म्स बहुत दे देते हैं पर ये वाली बात है कौन सा मादा प्रजनन अंग है भाई बोला जा रहा है आपकी यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या हुआ आपके आ, बोला जा रहा है कि एग का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ ये बोला जा रहा है चलो चलो सेशन को शेयर करने की बात थी वो तो तुम कर नहीं रहे हो हैं तो कौन सा मादा प्रजनन अंग जो है मादा युग्मक पैदा करता है तो मादा युग्मक मीन्स वॉट वी कैन से मैम फीमेल गैमिट और फीमेल गैमिन एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल गैमिट एग एग को हिंदी में क्या बोला अंड है ना और अंड को आशय किसने दिया तो भाई आपने संधि विचे तो की है ना दीर्घ संधि यहाँ पर होगी क्या देखो बताओ देखिए मैं भी रेणुका सही पढ़ रही हूँ क्या दीर्घ संधि होती है क्या तो भाई अंड प्लस आशय इससे बन गया अंडाशय बोलो देखिए ये जब ए और आ हो तो आ को हम ले लेते हैं तो बन गया अंडाशय कहो देखे सही है, आती है क्या थोड़ी बहुत मेरे को भी संधि हिंदी विन्दी आती है ना व्याकरण आती है तो बताओ देखिये तो मैडम यहाँ पर हो जाएगा ओवरी

चलिए चलो चलो जल्दी से बता दो तो दैट्स ऑल थिंग्स ये आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है तो अंडाशय यहां पर हो गया अब बोला जा रहा है अंडाशे की बाहरी परत किसकी बनी होती है मैडम देखो जब भी आवरण की बात आएगी दिखा दो मैडम जब ठीक है ठीक है दिखा रहे हैं, रुक जाओ तो जब भी आवरण की बात आएगी जब भी बाहरी परत की बात आएगी तो एपिथीशियल टिश्यू होता है ना क्यों प्रिया बताओ एपिथीशियल टिश्यू है अब एपिथीशियल टिश्यू है तो भाई एपिथीशियल टिश्यू में भी एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके है ना क्या बोलते हैं उसको बहिड़ चर्म करके बोलते हैं तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू यानी कि सरल घनाकार कोशिकाएं देन ए विल बी द राइट आंसर ठीक है A right answer, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या कहा जा रहा है संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं तो संक्रामक रोग क्या विरासत में मिलते हैं क्या मैम बहुत एक्साइटमेंट हो रही है 45 मिनट रह गए हैं लैंडिंग होने में सब प्रे करो है ना चंदा मामा से इतनी प्रे करो कि मामा जो है वो कह दें यार आज तो पूरा भारत एक ही चीज मांग रहा है वो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स तो चारों तरफ से वही पॉजिटिव वाइब्स आ रही ना तो फिर किसी की खुदा की भी मर्जी वो हिम्मत नहीं होती कि यार नहीं अब इतना दिल से मांगा जा रहा है एक साथ मांगा जा रहा है तो दे ही देंगे तो देखो जब भी इंफेक्शियस डिजीज होती है तो विरासत में तो नहीं मिलती है मरीजों को देख कर हो रही होती है तो जो तुम कहते हो कि आई फ्लू आंखों में से नैन नैन देख छोड़ो यार है ना देखने से हो रहा है तो ऐसा नहीं है डॉक्टर्स को भी हो रहा होता ना फिर ऐसा नहीं है ठीक है तो ये आप लोगों को ध्यान रख है तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉपलेट्स विल बी द राइट आंसर अरे भाई तुम्हें तो चैन नहीं है किसी को भी चल गया क्या ये चल तो तो नहीं रहा तुम तो कह रहे हो चल गया चल गया अरे ये तो चला ही नहीं है यार हैं ये देखो चंचल तो आ भी गई है ये चंचली है, अपनी वाली चंचली तो नहीं है यहाँ पे कहीं पे यार ये नहीं चला अभी तक ये चलेगा तभी देखेंगे ना लाइक तो कर देते हैं चलो लाइक के लिए सिंग मांग रहा है अब ये चलेगा तब दिखा देंगे अभी तो चल नहीं रहा है अब यहाँ चला दूंगी कोई कोई को, को और चैनल तो वो वो आ जाएगा कॉपीराइट आ जाएगा है ना इसलिए नहीं चला सकते इसको चला दो मैं मैसेज भेजती हूँ चलाएंगे चलाएंगे चलो साथ में चलाने दो फिर देखेंगे है ना जब तक इसका आंसर कर दो चलो जल्दी से बताओ मैं मैसेज करती हूँ जब तक इनको कि भाई काहे नहीं चला रहे हैं हमारे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं चलो चलो जब तक इसका आंसर करो यहाँ पर तो हो गया भाई बूंद संक्रमण हो जाएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाएगा है ना अगला प्रश्न का आंसर तुम लोग बताओगे जब तक मैं इनको मैसेज करती हूँ भाई चलाओ फटाफट से है ना चलो आंसर बताओ जब तक और जो हमेशा मैं कहती थी ना कि चलो 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 आज चलेंगे इसरो है ना साथ में ठीक है तो अब समझ में आ गया मैं कहा चलो चलो के लिए कहती थी अभी आंसर करो फटाफट से हां जी तो आंसर करो देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बायोडीजल अब बायोडीजल जो होता है उसको वो रिन्यूएबल भी है और उससे जो है बायोडिग्रेबल भी है वो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो ये भी हो जाएगा फिर कहा जा रहा है कि सुरक्षित भी है और विषाक्त भी कम है पॉइजनस भी नहीं होता तो मतलब यहाँ पर तो जो है वो सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर चलो अगली बात करते हैं जेली फिश देखिए तुम लोगों ने जेली फिश तो जेलीफिश जो होती है वो बेसिकली किसके लिए यूज की जाती है ये बताओ जेली फिश जो है वो कौन से फाइलम से रिलेटेड है कौन से संघ से रिलेटेड है ठीक है सारे ऑप्शन लेकर आए हो मैम आप ना आज सारे ऑप्शन ए ऑप्शन सबका ये आंसर आ रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है चलो जी चलो मैडम कहाँ चलें अभी चलेंगे इसरो चलेंगे साथ में चलेंगे ठीक चलो बताओ क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तो भाई सबको पता है फाइलम 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 प्रोटोजोआ निडेरिया तो मैडम जैली फिश होती है निडेरिया का जैली फिश किसकी होती है प्रोटोजोआ तो नहीं हो सकती ना पॉरीफेरा भी नहीं हो सकती अब किसी को प्रोटोजोआ पॉरीफेरा का कंफर्म है कि मैडम पॉरीफेरा तो नहीं होगी क्योंकि पॉरीफेरा में मैडम ने क्या पढ़ाया था पोर्स होते हैं स्पॉन्ज होते हैं है ना तो ये भी नहीं है ठीक है तो यहाँ पर क्या रहेगा निडेरिया रहेगा ठीक है भाई नेहा कक्कर तो तुमको तारों के शहरी लेकर जा रही थी हम तुम्हें चांद पर लेकर जाएंगे ठीक चलो तो अगली बात करते हैं क्या यहाँ है? पर कहा निडेरिया जिसे कॉइटेलेटर भी कहा जाता है और निडेरिया जो होता है सदस्य में नौ हजार से ज्यादा जीवों का एक समूह है इसके अंदर देखो कौन कौन आते हैं इसके अंदर जो है हाइड्रा आता है जेलीफिश आती है पुर्तगाली युद्ध पुरुष ओ भाई साहब है ना मैन ऑफ वॉर जिसे कहते हैं एनिमोन्स आते हैं सी प्लेन्स आते हैं वेब्स आते हैं है ना तो ये सारे के सारे आपके निडेरिया के एग्जाम्पल है चलो अब इसका आंसर तो आराम से कर दोगे बताओ बताओ फटाफट से है ना हाँ जी आंसर कीजिए फटाफट से कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंटीरो वायरस पढ़ाया था क्या कल ही पढ़ाया था पोलियो के लिए कौन सा वायरस जरूरी है पोलियो के लिए एंटीरो वायरस था क्या बताओ देखिए मे बी मैं गलत हो सकती हूँ पर तुम बता तो सकते हो हाँ फिर बोला जा रहा है प्रोटोजोआ नहीं मैम प्रोटोजोआ तो कैसे हो सकता है यार चिकन पॉक्स वेरी सेला वेरियोला वायरस छोटी माता बड़ी माता ठीक है चलो नहीं थियोरी करवाऊंगी लास्ट में आज आज चंद्रयान की थियरी करवा देते हैं ठीक है चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण बनता है तो भाई किसके लिए बनेगा देखिए चला क्या देख के आओ देखिए तो शैवाल वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ तो चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण बनता है वो कौन सा हो जाएगा तो वो तो होगा 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 वायरस होगा मैडम वायरस है ना तो वेरी सेला वेरी ओला वायरस पोली पोलियोमलाइटस अक्सर पोलियो पता ही है तुमको है ना इसके अंदर आती है आपके पास में ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो आपकी आ, दो बुन जिंदगी है जो कि साबिन ने बनाई थी सालक ने बनाई थी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन तो दैट्स ऑल थिंग्स ठीक चलिए तो पित्त का निर्माण कहां पर होता है अरे मैडम सबको पता है पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है ठीक है हां जी बताइए कि क्या रहेगा यहाँ पर तो पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है जिगर में होता है पेट में होता है मैं नहीं बता रही हूँ तुम ही बता दो फटाफट से मैं देख लेती हूँ देखिए इन्होंने चलाया है कि नहीं चलाया है अभी तक हम्म देखते हैं देखिए चलाया है कि यार चलाना तो चला तो देना चाहिए था ऐसे थोड़े ना होता है पर ठीक है एक बारी के लिए देख लेते हैं भाई कि चलाया है कि नहीं चलाया है फटाख से देख लेते हैं रिफ्रेश भी कर लेते हैं अरे भैया चला दो भाई हम्म अब तो और ही ऑप्शन देखना पड़ेगा पर ज्यादा भी तो नहीं देख सकते हैं ना। अभी तो इनको देखना पड़ेगा चलो तुम्हारी इच्छा के लिए दो मेरे यार इतने ऐड बने आएंगे तो कैसे चलेगा अभी तक तो ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा बाकी तो दिखा भी नहीं रहे हैं ऐसा तो कुछ अभी कुछ हुआ ही नहीं है अब कैसे बता दें अभी तो सिर्फ यही बता रहे हैं बैठे हैं सब तब तक पढ़ाएं हम अभी तक तो बैठे ही हैं, देख लेते हैं अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा अभी सब सोच में पड़े हैं अभी कुछ नहीं हुआ है अभी कुछ नहीं दिख रहा है तो वेट बैठ जाते हैं चुपचाप जो है वो क्या कर लेते हैं पढ़ लेते हैं ठीक है चलो तो देखो क्या कहा जा रहा है पित्त का निर्माण जो है बाइल इज प्रोड्यूस्ड तो अभी कुछ ऐसा छुआ नहीं है ठीक है तो आप पढ़ लो ठीक अभी तो कुछ हुआ नहीं है वही दिखा रहे हैं सभी बैठे हैं बस तो चलो अभी देख लेते हैं पित्त का निर्माण हुआ है तो बाइल इज द प्रोड्यूस तो भाई बाढ़ जो है वो जिगर से हुआ है लीवर से हुआ है सिंपल सी बात है किससे हुआ है भाई लीव, लीवर से हुआ है ठीक है चलो है ना अगली बात करते हैं तो ये तो कहाँ से हुआ है भाई लीवर से हुआ है अब अगली चीज की बात कर लेते हैं कि भाई श्वेत फेफड़े की बीमारी जो है वो श्रमिकों में बड़ी चल रही है श्वेत फेफड़े वाइट लंग तो लंग जो है वो किसके कारण होता है कौन किसके कारण होता है बीच बीच में देखा। आ, बीच बीच में में देखा देखती रहूंगी बिल्कुल मैं क्लास खत्म कर दूंगी उससे पहले ही तो तुम आराम से देख लेना ठीक है तो व्हाइट लंग जो है वो किसके कारण होता है जो कपास के जो है फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जो व्हाइट लंग डिजीज इन द प्रिंट अमंग द वर्कर तो श्वेत फेफड़े की बीमारी के श्रमिकों में है तो कागज उद्योग में नहीं है कीटनाशक में नहीं है सीमेंट में नहीं है कपास उद्योग जो आ, होते हैं जो कॉटन के उद्योग में उसमें माइक्रोफाइबर्स होते हैं जिसके कारण व्हाइट लंग जो है वो बीमारी हो जाती है ठीक है तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है

दानों के अंदर जो होता है ना उनको काले लंग्स बोलते हैं न्यूमोनियोसिस के नाम से जाना जाता है और सफेद फेफड़े को एस्टोबिस के नाम से जाना जा सकता है इसको कभी कभी हम लोग भूरा फेफड़ा भी कहते हैं चलो बहुत हो गया हड्डियां किसकी वायवीय होती हैं बोन्स जो है वो किसकी वायवीय होती है ये बता दीजिए बोन्स वाईवीए किसकी होती है एम्फीबियंस की होती है क्या हाँ वेरी गुड इवनिंग मिस्टर आकाश बट ये सेशन पांच बजे स्टार्ट होता है और आज तो मैं जल्दी छोड़ दूंगी भाई तुम भी देखो चंद्रयान और मैं भी चंद्रयान देखूंगी ठीक है चलो तो बता दो भाई क्या यहाँ पर हो जाएगा तो बोन्स जो है वो बेसिकली वाइव्य है, होती हैं और बोन्स अगर वाइव्य हैं तो वो कैसी हैं क्यों हैं तो वो आपको ध्यान रखना है तो फिशेस के कारण तो नहीं होती सरी सर्प के कारण नहीं होती जो उड़ेंगे उनमें होती है मछलियाँ थोड़े ना उड़ती हैं भाई सरी सर्प थोड़े ना उड़ते हैं तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोविंग तो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के

The 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 four type 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 of of seasonal influenza virus called type A, A type B, B type C and type D. Type A and type B is the critical and D. is critical cause of seasonal epidemic फोर टाइप so, -e uh, ही सीजनलिबल होता है पत्तियों में दिखाई जाने वाली नसें जो है वो क्या कार्य करतीन कलर की तो वो बेसिकली क्या होती हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा बोलो भाई क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो तो भाई पत्तियों में दिखाई देने वाली जो नसें होती हैं वो बेसिकली किसका कार्य करती हैं तो प्रकाश संश्लेषण वाष्पोसर्जन संचालन या फिर भंडारण ओके चलो सबको पता है कि मैडम किसका काम करेंगी तो देखो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं कोई वापरेशन नहीं करती है ना तो फिर क्या बचा है कंडक्शेशन हो जाएगा या फिर भंडारण हो जाएगा चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वो बेसिकली कंडक्शन का काम करती हैं क्योंकि स्टोरेज का काम तो जो है वो नशे करने वाली है नहीं चालन भी हम लोग बेसिकली कह सकते हैं तो वीन्स आर द वर्टिकुलर टिश्यू जो है बेसिकली संवहनी उत्तकों की बनी होती है मीजोफिल्स स्पंजी परत के अंदर होते हैं और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का पानी का उन सब के लिए जो है वो क्या हो जाएगा आपका ये नशे जो है जिनको हम वस्कुलर टिश्यू की बनी होती है वो कह रहे हैं अब बताइए अगली बात की मछली का यानी कि फ़िश लीवर ऑयल की बात कर रहे हैं और फिश लीवर ऑयल जो है वो बेसिकली किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है तो फिश लीवर ऑयल सबसे ज्यादा किस में मिलेगा वाइटामिन डी में मिलेगा वाइटामिन सी में मिलेगा वाइटामिन ए में मिलेगा तो भाई सीधी सीधी बात है फिश लीवर ऑयल कॉर्ड लीवर ऑयल की बात करते हैं क्वेश्चन क्या? तो क्या है ना तो इसमें क्या है यहाँ पर बोला क्या है क्वेश्चन भाई भरपूर होता है मछली का तेल जो है वो भरपूर पर आहार पूर्वक अनुरूप के रूप में मेगा ओमेगा तुम एक काम करना यहाँ पे वाइटामिन मत करना स्पेसिफिकलीटामिन डी करना क्योंकि एक्सट्रे जो सोर्स है बेसिकली वाइटामिन डी के लिए रहेगा है ना तो प्रायोरिटी वाइज तुम वाइटामिन डी करना विटामिन ए से मत करना इसको कैंसिल करो ठीक है तो ओमेगा थ्री की अगर बात करते तो हम बेसिकली वाइटमिन डी के लिए स्पेसिफिकली हम लोग इसे रखेंगे दैट्स ऑल थिंग्स गाइस और सबसे अच्छी चीज है कि भैया अब मैं तुम्हारी कर रही हूँ छुट्टी क्योंकि तुम भी चंद्रयान देखो और मैं भी चंद्रयान देखूंगी और इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ है ना वाइटमिन डी हाँ बिल्कुल सही है और चंद्रयान तो तुम्हें देखना ही देखना है जो कि अभी देख ही रहे हैं देखिये कुछ हुआ तो सब वेट कर रहे हैं यार दो चार पांच सात मिनट है देखो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है बहुत टेंशन है भाई जिंदगी में कमेंट्री कर लेती हूं मैं तो यहां पे है ना ये देखो टाइम भी चल रहा है अभी तो बस फोटोज ही आ रही है अरे ट्वेंटी फोर सेवन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना क्योंकि भैया अभी सेल चल रही है नौ सौ निन्यानवे रुपए के अंदर आठ सौ अस्सी में मिल जाएगा तुमको देखो यार इतने सारे साइंटिस्ट ने मेहनत की है भाई तो ये सारी चीजें हैं अब सीधे इसरो पे इसरो में ले जाके बैठ गई हूँ मैं तो तुमको ठीक है तो नौ सौ आठ सौ अस्सी में मिल जाएगा कोड कौन सा यूज करना है चलो मैसेज कर दो तो फटाफट से इसी बात पर कोड कौन सा यूज़ करना है वाई सिक्स नाइन एट ठीक है ना ठीक तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लो अभी आठ सौ अस्सी मिल रहा है और एआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा <laughs> चलो जी चलो है ना तो अभी तो टाइम है भाई तो दैट दैट्स अ थिंग चलिए ठीक तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाटा बाय बाय सी यू टेक केयर ध्यान रखिए बाय